हमारे शरीर में फेफड़े का यानी लंग्स का सुव्यवस्थित होना, स्ट्रांग होना, स्वस्थ होना कितना आवश्यक है आज आप लोगों को एहसास हो रहा होगा। इस कोरोना संकट में सबसे पहले ये जो वायरस है हमारे लंग्स के ऊपर ही अटैक कर रहा, तो क्यों ना हम इसको मजबूत रखें, इसको हेल्दी रखें। आज मैं आप लोगों को आपके लंग्स को हेल्दी करने का एक बहुत ही अचूक फार्मूला बताऊंगा, एक ऐसा ड्रॉप बताऊंगा, एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो आप बहुत ही सिंपल तरीके से घर में रख करके और इस समय अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं होम्योपैथी के R57 की। देखिए मेरे हाथ में R71 है, यही R के जगह आपको 57 ध्यान रखिएगा। ये R नंबर के कुछ सीरीज हैं 1 to 89 तक, उसमें आपको 57 नंबर आपके लंग्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब समझिए कि क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों इसे पल्मोनरी टॉनिक भी कहते हैं, यानी हमारे फेफड़े के लिए ये टॉनिक का काम करता है। इसमें कुछ ऐसी दवाओं को डाला गया है जैसे कि लाइकोपोडियम है, साइलिसिया है, टेक्रियम है, कैल्शियम कार्ब है, आर्स आयोड है। तो ये सब दवाएं जो है मिलाई गई हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों जब हमारे फेफड़े में कमजोरी होती है तो क्या होता है कि मेरा सिस्टम ही बिगड़ने लगता है। भाई देखिए शरीर में ऑक्सीजन का संतुलन बहुत आवश्यक है और उसको संतुलित करने का कार्य जो है हमारा लंग्स करता है। तो ये जितना ज्यादा मजबूत होगा उतने ज्यादा हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेशन होगा और जब हम डीऑक्सीजनेशन के प्रोसेस से ज्यादा गुजरेंगे तो हमारे शरीर में ताजगी रहेगी, हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा। तो आपको R57 घर में रखना है और अपने लंग्स को मजबूत रखना। और ध्यान दीजिएगा जब लंग्स मजबूत रहेगा तो आपको अच्छी नींद आएगी, आपको अच्छा भूख लगेगा, आपका जो है सर्कुलेशन बॉडी में बढ़िया होगा, तो आप तरोताजा महसूस करेंगे। आप देख रहे हैं ना इस समय क्या हो रहा है कि कोरोना में ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही कम होता है हमारा दम घुटने लगता है। तो साथियों ये R57 आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसका डोज देखिए। R57 को 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में 3 टाइम लीजिए। अगर आपको कभी कभी सफोकेशन महसूस होने लगे, आपको ऐसा लगने लगे कि थोड़ा सा मेरा जैसे यूं कह लीजिए कि आपको ऑक्सीजन के लेवल थोड़ा कम लगने लगे, दम घुटने लगे, और मान लीजिए आपने पल्स ऑक्सीमीटर से जो है अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक किया तो वो थोड़ा कम आ रहा, तो आप R57 को थोड़ा जल्दी जल्दी यानी आधे आधे घंटे पे 10-10 बूंद, उस समय आप 15 बूंद मत लीजिएगा, उस समय 10-10 बूंद आप जल्दी जल्दी लीजिए, आप देखिएगा आपको तुरंत इससे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो साथियों होम्योपैथी अपनाइए और जीवन को सरल और स्वस्थ बनाइए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर SP तिवारी पर देता रहता हूं। आप मेरे चैनल से जुड़े हैं और आपका भरपूर प्यार भी मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए और नित्य नई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।